आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम बहुत खास वीडियो लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे जेएनयू से आर्ट्स एंड स्टेटिक्स कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो एमए करना चाहते हो, एमफिल करना चाहते हो या फिर पीएचडी करना चाहते हो। हालांकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर आप इस पे टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो उन्हीं बच्चों की रिक्वेस्ट पे आज हम ये एक छोटा सा टॉपिक जो है वो लेके आए हैं, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज का जो मैटर है जो अवेलेबल है वो यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने भी सर्च किया हो तो आज काफी दिन की रिसर्च करने के बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा पार्ट मिस कर दिया तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप मिस कर देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें यूट्यूब पे किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो आपकी खिदमत में हाजिर है आज का जो ये सेशन है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड स्टेटिक्स का टॉपिक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो लेक्चर है वो हम शुरू करने से पहले एक इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एंट्रेंस का, कि एंट्रेंस किस तरह से होता है, किस मोड पे होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, मीडियम ऑफ एग्जाम कैसा होता है, किस कोर्स में कितना एग्जाम होता है। तो उसी के बारे में आपको बता देता हूँ पहले कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम के मोड की। तो इसका जो एग्जाम मोड है यानी एग्जाम किस तरह से होता है, तो अब जो एग्जाम होता है जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम वो ऑनलाइन मोड पे होता है, अब ऑफलाइन मोड पे नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन मोड होता है वो सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन होता है, उसके आपको चार क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई एक टिक करना होता है, फिर उसके उसको आपको टिक करके आंसर देना होता है। जेएनयू में एक खास बात और है, आप सभी को मालूम भी होगा, जिन बच्चों को नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ कि जेएनयू में एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि जेएनयू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चाहे आप एमए की बात करें या किसी और कोर्स की बात करें। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का होता है, उसके जितने भी पेपर्स हैं वो हमारे चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे बना दिए गए हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अगर किसी को लास्ट 5 ईयर की पीडीएफ चाहिए आर्ट्स एंड स्टेटिक्स की, चाहे एमए की हो, एमफिल की हो या पीएचडी की हो, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप इस नंबर पर फोन करके हमसे वो पीडीएफ ले सकते हैं। हमारा नंबर है 9045220432। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करके लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप हमसे ले सकते हैं। तो जेएनयू के अभी फॉर्म नहीं आए हैं, उम्मीद है कि जल्द आ जाएंगे, तो उसी के लिए आज हम एक छोटा सा ये एक सेशन लेके आए हैं आर्ट्स एंड स्टेटिक्स स्कूल का। तो देखिए ये जो स्कूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है जेएनयू का, तो इसमें एमए एमफिल और पीएचडी के कोर्स कराए जाते हैं, तो उसी के बारे में आए थोड़ी सी डिटेल लेके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एमए की सीट्स की, कि एमए में कितनी सीट है, कितनी कैटेगरी कितनी सीट है और कितनी इसकी कट ऑफ गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एमए की, कि एमए में टोटल सीट है 29। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं आपको 29 सीट है। अभी कैटेगरी वाइज में डिवाइड है, जनरल की है यहाँ पर 12, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 3। आप सभी को मालूम होगा कि ईडब्ल्यूएस जो है नई कैटेगरी बनी है, इकोनॉमिक भी वीकली सेक्शन है, इसकी सीट है 3, एससी की सीट है 4, एसटी की सीट है 2 और पीडब्ल्यू की जो सीट है वो है 2। तो इस तरह से टोटल सीट हुई आपकी 29। अब बात करते हैं एमफिल की, तो एमफिल में टोटल सीट है 6, जिसमें जनरल की 3 है, ओबीसी की 2 है और एससी की 1 है। तो इस तरह से टोटल सीट हुई 6। तो मैं आपको यहाँ बता दू इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि एमफिल जो है वो खत्म कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो हो सकता है कि आने वाले साल में जब नया सेशन स्टार्ट हो तो एमफिल की सीट जो खत्म हुई है वो जाके पीएचडी में इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पीएचडी में जो सीट है वो सिर्फ 2 है, एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि जो एमफिल खत्म हुआ है उसकी सीट जो हमें पीएचडी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हुई इनकी सीट के बाद। अब बात करते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाई है ये फर्स्ट कट ऑफ है, तो इसके बाद 3 या 4 कट ऑफ आई थी लास्ट ईयर जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में। तो हम पहले को बेस मान के तैयार करते हैं, क्योंकि आप जितने हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिट है। ऐसे नहीं कि हम लोग 4th वाली कट ऑफ या 5th वाली कट ऑफ आपको दिखा दें, उसमें नंबर कम हो और आपकी जो पढ़ाई का करने की स्ट्रेटजी है वो कम हो जाए, कि नंबर तो मेरिट तो कम जा रही है। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है उसी को आपके सामने पेश किया है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जो तैयारी अच्छे से करें। हालांकि जो बच्चे जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सोचते हैं पहले से कि हमारा जो स्कोर हो वो 90+ हो, और ये सब बच्चों में गट्स होने चाहिए कि जब भी हम कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहें
तो 80 या 90 प्लस अबाव रहे, कट ऑफ की चिंता ना करें कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, आप अपना हमेशा कह दें 100%। तो चलिए बात करते हैं एमए की कट ऑफ की। तो एमए की कट ऑफ गई हो 71 जनरल की है, 65 ओबीसी की है, ईडब्ल्यूएस की है 63 और एससी की भी 63 है और एसटी की 53 और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की आपको मिलेगी 55। तो ये कट ऑफ है। एमए के प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं एमए के, एमफिल के और पीएचडी के, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स के। अब बात करते हैं एमफिल की। जनरल की गई थी आपकी 83.4, ओबीसी की गई है 59.8, बाकी सीटें नहीं है तो इसकी बात करेंगे। एससी की जो सीट है उसकी जो कट ऑफ है वो गई है 52.8। तो ये हुई एमफिल की बात। हालांकि एमफिल अब खत्म हो गया फिर भी आपको एक एनालाइज करने के लिए पता चल जाएगा कि भाई कट ऑफ कितनी जाती है पीएचडी की जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम। अब बात करते हैं पीएचडी की। तो पीएचडी की जो कट ऑफ है जनरल की वो मेरी 68.6, 58.8 गई है आपकी ओबीसी की और बाकी कोई सीट नहीं है तो इसलिए बाकी कोई कट ऑफ आपको यहाँ पर शो नहीं की गई है। अब बात करते हैं कि जेएनयू में जो एमए है और एमफिल और पीएचडी है उसमें अलग अलग टॉपिक पर एमफिल और पीएचडी होती है। हालांकि आप यहाँ पर देख रहे हो एमए में जो कोर्स है वो है आपका आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, ये सिर्फ एमए होते हैं जिसमें आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स टॉपिक पर आपको एमए कराई जाती है। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये कोर्स वहां पर पढ़ना है जो कंपलसरी है, ठीक है। अब बात करते हैं एमफिल की। तो एमफिल में जो कोर्स कराया जाता है किन किन कोर्स में कराया जाता है वो देख रहे हैं। तो पहला एमफिल का कोर्स है विजुअल स्टडीज, फिर है थिएटर एंड परफॉर्मेंस स्टडीज और तीसरा जो टॉपिक होगा सिनेमा स्टडीज। इन तीनों टॉपिक में आपको क्या कराया जाती है, एमफिल कराया जाता है जेएनयू में आर्ट्स एंड एस्थेटिक स्कूल में। हालांकि अभी खत्म हो गया लेकिन यही वाला पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पीएचडी में। यहाँ पे लेवल थोड़ा नीचे होता है और यहाँ पे लेवल थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो अभी जो टॉपिक है आपके विजुअल स्टडीज, थिएटर एंड परफॉर्मेंस और सिनेमा स्टडीज, ये आपको पीएचडी में देखने को मिलेंगे। हालांकि लास्ट ईयर भी पीएचडी में थे और आने वाले साल में आपको ये टॉपिक मिलेंगे क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि विजुअल स्टडीज में हमें करना है और थिएटर एंड परफॉर्मेंस में हमें करना है, कोई कहते हैं सिनेमा स्टडीज में करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपको इसमें मिलेंगी और यही तीनों टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। इन तीनों के टॉपिक अलग अलग हैं, आप ये अलग अलग टॉपिक से एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं। एमए में सिर्फ आपको आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स मिलेंगे। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे इनकी सीटें बताई हैं वो सिर्फ आपको विजुअल स्टडीज की बताई है, थिएटर एंड परफॉर्मेंस की और सिनेमा स्टडीज की आपको नहीं बताई है। तो चलिए मैं आपको इनकी जो सीटें हैं थिएटर और परफॉर्मेंस की और सिनेमा स्टडीज की वो बता देता हूँ सीटें के कितनी कितनी है तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितनी सीटें इसमें अवेलेबल हैं। विजुअल स्टडीज की आपको पता चल गई, थिएटर एंड परफॉर्मेंस और सिनेमा स्टडीज की मैं आपको सीट बता देता हूँ। अगर आपको इस पूरे कोर्स की पीडीएफ चाहिए मतलब जिसमें सीटें हों, कोर्स हों, सिलेबस हों, सारी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर अवेलेबल हो जाएगी कि इसमें एंट्रेंस सिलेबस कौन कौन सा है, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं, किस कोर्स का हमें क्या चीजें मेन है जो पढ़नी है या फिर हम जब एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे उसके फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो सारी चीजें आपको हमारे चैनल चौक एंड डिजिटल अकेडमी पर अवेलेबल है, बस आपको इस नंबर पर अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत है। हम आपकी पूरी तरह से गाइडलाइंस बनेंगे, आपको सही गाइडलाइंस देने के प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि बच्चों पर जो सही इन्फॉर्मेशन है वो सही वक्त पर पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि जब हम ये इन्फॉर्मेशन दे और ये जो इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट है ये आपके हाथ से निकल जाए। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये सभी बच्चों पर पहुंच जाए जो बच्चे जेएनयू में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं थिएटर एंड परफॉर्मेंस की और सिनेमा स्टडीज की कि इसमें कितनी कितनी सीटें जो है वो अवेलेबल है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं हम थिएटर एंड परफॉर्मेंस की। ब्लैक बोर्ड बन गया इसलिए मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देता हूँ कि इसमें कितनी कितनी सीटें हैं। तो इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 6 हैं जिसमें जनरल की 3 हैं, एससी के आपके पास 1 है, थिएटर एंड परफॉर्मेंस की बात करें एसटी की 0 है, पीडब्ल्यूडी की भी 0 है और ओबीसी की 2 सीटें हैं थिएटर एंड परफॉर्मेंस में। एमफिल की बात कर रहे हैं, अभी सिनेमा स्टडीज की बात करेंगे जिसमें आपकी टोटल सीट जो है 7 है जिसमें जनरल की 3 है, एससी की 1 है, एसटी की 1 है और पीडब्ल्यूडी की 0 है और ओबीसी की आपके पास 2 सीट है। तो ये हुआ एमफिल की सीटें हुई। अब बात कर लेते हैं पीएचडी में कि पीएचडी में थिएटर एंड परफॉर्मेंस और सिनेमा स्टडीज की
कितने सीट हैं, क्योंकि यहाँ पे विजुअल स्टडीज मैंने आपको बता दिया कि दो दो सीट है। तो इसमें बात करेंगे पहले थिएटर एंड परफॉर्मेंस की, कितने सीटें हैं। तो इसमें टोटल सीटें दो ही हैं, एक जनरल की है और एक ओबीसी की है। ऐसे सिनेमा स्टडीज में दो सीटें हैं, जिसमें एक सीट जो है वो जनरल की है और एक सीट जो है वो ओबीसी की है। तो इस तरह से टोटल सीटें हो गई आपकी एमफिल में और पीएचडी में। थिएटर एंड परफॉर्मेंस में और सिनेमा स्टडीज में टोटल सीटें आपको देखने को मिल गई। इसकी एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी क्या है एमए में, तो एमए में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10 प्लस 2 प्लस 3 का जो आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ। अगर आपको किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं एमफिल या पीएचडी में, तो एमफिल में आपकी मास्टर डिग्री जो है आपने कंप्लीट की होगी, वो 55% के साथ आपने उसमें 55% के साथ आप उसमें क्वालिफाइंग कर रहे हो एमए में या किसी भी और कोर्स में जो पीजी आपने किया हो, तो उसी के बेस पे आप एमफिल या पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर उनकी एलिजिबिलिटी चल रही है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अभी बात आते हैं कि आप जेएनयू में अगर पहले जो आपने ग्रेजुएशन में किसी और कोर्स में एडमिशन लिया, मतलब आपने बीए बीएससी या बीकॉम किया है, लेकिन अब आप आर्ट एंड स्टेटिक्स करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं एमए में, एमफिल में या पीएचडी में। तो ये हुआ आज हमने छोटा सा इसमें इन्फॉर्मेशन बता दिया आपको, क्या क्या एलिजिबिलिटी, कितनी सीटें हैं, कितनी कट ऑफ रही है। अब बात करते हैं कि इसको हमें एंट्रेंस क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस हमारे चैनल चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी के इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपको दिखा दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर एक लाइन पढ़ेंगे तो वो वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप उस सिलेबस को समझ पाएंगे। अगर फिर भी आपको सिलेबस में कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो पहले सिलेबस देख लीजिए और उसके बाद आप जो है उसकी बुकों का सिलेक्शन कीजिए कि बुक कौन कौन सी है। हालांकि मैंने यहाँ पर कुछ बुक आपके लिए रिकमेंडेशन की है जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में बेनिफिट करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले बुक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया की। ये काफी हाई लेवल की बुक है जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में बेनिफिट देगी। इसका लेवल थोड़ा टफ है इससे ज्यादा, लेकिन जब भी हम तैयारी करते हैं तो थोड़े टफ लेवल की करते हैं तो उसका जो नीचे का लेवल है वो हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये काफी टफ लेवल की बुक है, आपको बेनिफिट करेगी। और बात करते हैं दूसरी बुक की, तो दूसरी बुक है क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया, जिसकी राइटर हैं ये एल सुब्रमण्यम और वीजी सुब्रमण्यम। ये किताबें आपको मिल जाएंगे, क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं तीसरी बुक जो हमने आपको रिकमेंड, तीसरी बुक है आपके पास डांस म्यूजिक एंड कल्चर ऑफ डेकोलोनाइजेशन इन द इंडिया डायस्पोरा। इसके जो राइटर है वो है टीना के राम नारायण। तो ये भी काफी अच्छी बुक है, आप इसको भी पढ़ के ये चीज इसके लिए कर सकते हैं। ये ना हो कि आप एक ही बुक ले लें, एक बुक से कभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं मिलेगा, आपको दो या तीन किताबें उसको जरूर पढ़नी होगी। अब बात करते हैं दूसरी बुक की, है डांस थिएटर ऑफ इंडिया। इसके जो राइटर है वो है काव्या लिगरेट। ये भी काफी अच्छी बुक है थिएटर की और डांस के एतबार से। और नेक्स्ट बुक जो है वो है हमारी अ हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन द इंडिया एंड द वेस्ट। ये काफी अच्छी बुक है ये भी, क्योंकि इसमें आपको इंडिया की जो हिस्ट्री है और जो वेस्टर्न हिस्ट्री है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इनके अलावा भी काफी सारी बुकें होंगी जो आपको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको कुछ चीजें हैं जो कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप पॉइंट पढ़ कुछ पॉइंट हैं जो आपके लिए बेनिफिट हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पॉइंट को नोट कर ले अपने हैंड राइटिंग में, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, तो आपको वो भी बड़े ध्यान से रखना है, जिसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन कुछ और ऐसे पॉइंट हैं जो आपको और प्रिपरेशन करना है। जेएनयू का एंट्रेंस एग्जाम है, कोई हलवा नहीं है कि आप एक किताब पढ़ के उसको एंट्रेंस क्लियर कर दे, नहीं, कम से कम तीन चार किताब है और उसके अलग भी आपको अपने अलग एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। तो स्क्रीन पर जो पॉइंट चल रहे हैं इन्हें नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बेनिफिट देंगे, चाहे आप एमए एंट्रेंस दें या फिर आप पीएचडी के एंट्रेंस दें। इनके अलावा आपको मैंने शुरू वीडियो में बताया था कि जेएनयू का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि एक क्वेश्चन के चार बहुविकल्प मिलेंगे, आपको उनमें से ही एक चूज करना होगा। ये जितनी किताबें आपको मिली है लगभग सारी क्या है सब्जेक्टिव में नहीं
ये जितनी भी किताबें आपको मिली गई सारे सब्जेक्टिव है। अब आपको ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, हालांकि आप नोट्स बनाइए उसमें से आप अपने हिसाब से जैसे आप नोट्स बनाते हैं उनको आप प्रिपेयर कीजिए। तो मार्केट में दो तीन किताबें हैं जो आपको इस तरह के यानी कि इस पैटर्न पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आर गुप्ता की काफी फेमस बुक है और इसके अलावा आपके पास उपकार प्रकाशन की भी अच्छी बुक है जो आपको फाइन आर्ट और आर्ट एंड स्टेटिस के लिए बहुत बेनिफिट करेगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पे बनी हुई है। इसके अलावा आप इग्नू के नोट्स ले सकते हैं, वो काफी बेनिफिट करते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। और आप जो ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा वो भी आप उसकी ग्रेजुएशन में अगर आपके पास ये फाइन आर्ट्स वगैरह डांस या म्यूजिक का कोर्स होगा तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और रिकमेंडेशन करूंगा कि जो मोस्ट फेमस पेंटिंग होती है उनके राइटर या उनकी जो कला है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में गांधार कला और मथुरा शैली काफी फेमस है, तो आप ये ईरानी इंडो पाक वाली जो पाक शैली है उसको भी आप अध्ययन करें, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। कोई एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको पिक्चर दे दी जाती है और पूछा जा सकता है कि बताइए ये पिक्चर किसकी है या फिर किसने बनाई है, या फिर आप एक बात और ध्यान रख लें कि जितने भी वेस्टर्न फिलोसोफर हैं उन्होंने इनके बारे में क्या क्या कोट कहे हैं, और इंडियन फिलोसफी भी ये आप जरूर पढ़ लें। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन की है, अ हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया है द बेस्ट, ये फिलोसफिकल वाली ही है, आप इसमें जाकर फिलोसफिकल बातें इसमें पढ़ सकते हैं जो आपके बेनिफिट रहेंगे एग्जाम में। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए किसने क्या कहा, या इंडियन फिलोसफर और वेस्टर्न जो फिलोसफर है उनके क्वोट को मेंशन कीजिए, ये किसने कहा। तो ये सारी चीजें आपको इन सारी किताबों में मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको जो आज का हमारा सेशन है वो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर आप किसी भी तरह का फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपके पास रहेगा 24x7 है 9045220432। यहीं पे आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे 5 ईयर के, चाहे आप एमए की तैयारी कर रहे हो, एमफिल की कर रहे हो या फिर आप पीएचडी की कर रहे हो, आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर में मिल जाएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम लिख के भेज देना है, हम आपको ये पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। या फिर आप हमारी ईमेल chalkanddustacademy12@gmail.com आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इस पर भी हम मैसेज करके आप अपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आप हमसे ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और ज्यादा हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप उनका लिंक आपको हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और इस कोरोना की महामारी में अपने आप को अपने परिवार वालों को सुरक्षित रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.